की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब भारतवासी के लिए ब्लैक डे है आज, तो आज के दिन 44 जवान शहीद हुए थे सन कपल्स के लिए और एक कोटेशन हम जैसा सिंगल लॉन्डो लॉन्डिया के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत धूमधाम से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एरिस्टोटल के ऊपर 2018 से 2021 तक जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक उसी तरह आज ये एरिस्टोटल का जो गुरु था प्लेटो, उसके ऊपर ये सेशन होने वाला है। तो सेशन को एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो अभी जाओ इस चैनल में जाकर देख लो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेबल विथ प्लेटोज व्यूज। तो निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के अनुकूल है? तो ऑप्शन वन, आइडियाज आर नॉट रियल बट एग्जिस्टेंट, आइडियाज आर रियल बट एग्जिस्टेंट। ऑप्शन थ्री, आइडियाज आर डाउटफुल बट एग्जिस्टेंट। ऑप्शन फोर, आइडियाज आर डाउटफुल बट नॉन एग्जिस्टेंट। तो फ्रेंड्स, प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियाज क्या है? आइडियाज तो रियल है राइट, बट एग्जिस्टेंट भी है। प्लेटो के अकॉर्डिंग ये जितने सारे चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ये रियल नहीं है, ये जो हमारे आइडियल स्टेट में रहता है उसका ये कॉपी है। तो ये जितने सारे फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें रहते हैं वो सारे प्लेटोनिक वर्ल्ड का ही कॉपी है। अब और एक वर्ल्ड होता है मेंटल वर्ल्ड, आप देखो यहाँ पर प्लेटोनिक वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से मेंटल वर्ल्ड और मेंटल वर्ल्ड से फिर से प्लेटोनिक वर्ल्ड में, ये सर्कल की तरह चलते हैं राइट। अब ये तो गया 2020 से क्वेश्चन, अब 2021 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखते हैं। इन दिस यूनिवर्स नो स्ट्रेट लाइन इज रियली स्ट्रेट, नो सर्कल इज परफेक्टली सर्कुलर, येट परफेक्ट स्ट्रेट लाइन और सर्कल एग्जिस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, दिस व्यू इज एक्सेप्टेबल टू हुम। तो इस ब्रह्मांड में कोई सीधी रेखा वास्तव में सीधी नहीं है, कोई वृत्त वास्तव में वृत्ताकार नहीं है, फिर भी पूर्ण सीधी रेखा या वृत्त उनके अपने संसार में रहते हैं, ये विचार किसे स्वीकार है? तो ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सेंट एक्विनास, ऑप्शन डी थेल्स। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही अभी करा कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, प्लेटोनिक वर्ल्ड है और मेंटल वर्ल्ड है राइट, ये वर्ल्ड को डिवाइड किया है प्लेटो ने किया था। और प्लेटो तो कहा ही है फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो आइडियाज़ है वो रियल है राइट, और वो एग्जिस्टेंट भी करता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इन दिस यूनिवर्स नो स्ट्रेट लाइन इज रियली स्ट्रेट, इस ब्रह्मांड में कोई सीधी रेखा वास्तव में सीधी नहीं है, ये अपने संसार में सीधी रहती है। तो ये तो प्लेटो के द्वारा दिया गया है राइट। और एरिस्टोटल क्या बोला है कि ये जो प्लेटोनिक वर्ल्ड है, मेंटल वर्ल्ड है, वो सारे कुछ नहीं होता है, जो सारे रियल में ही रहता है। एरिस्टोटल के लिए तो फिजिकल वर्ल्ड ही है राइट, एक ही वर्ल्ड है वो है फिजिकल वर्ल्ड जो हम लोग देख रहे हैं करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू फिलोसॉफी बाय, तो यूनिवर्सल की समस्या को सबसे पहले दर्शन शास्त्र में पेश किया गया था। ऑप्शन वन एक्विनास, ऑप्शन टू एरिस्टोटल, ऑप्शन थ्री प्लेटो या फिर ऑप्शन फोर बार्कले। तो फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू फिलोसॉफी बाय प्लेटो, तो ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो, जो एरिस्टोटल है उन्होंने तो क्रिटिसाइज किया था द रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल्स जो कि प्लेटो ने एक्सेप्ट किया था राइट। और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल यूनिवर्सल्स डू एग्जिस्ट बट ओनली इन इंडिविजुअल थिंग्स राइट। तो एरिस्टोटल का कहना है कि ये जो यूनिवर्सल्स सामान्य है वो एग्जिस्ट करता है लेकिन इंडिविजुअल थिंग्स में एग्जिस्ट करता है।
उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ये जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य एग्जिस्ट करता है ओनली ब्यूटिफुल थिंग्स, राइट। अब देखो यहाँ पर प्लेटो ने क्या बोला है, यूनिवर्सल्स कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेशल काइंड ऑफ बींग। तो यूनिवर्सल क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ बींग है, राइट। और इंडिविजुअल थिंग्स पोजेस कॉमन फीचर्स बिकॉज दे इमिटेट यूनिवर्सल प्रोटोटाइप्स। सारे इंडिविजुअल थिंग्स मीन्स जो सारे एप्पल्स है, सारे कुत्तों है, सारे मनुष्य है, ये सारे एक जैसा क्यों देखते हैं, ये सारे कॉमन फीचर्स क्यों रहते हैं, बिकॉज दे इमिटेट यूनिवर्सल प्रोटोटाइप्स, राइट। यही कहा है प्लेटो ने। और एरिस्टोटल ने क्या कहा वो तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इमोरालिटी ऑफ सोल इज अफेल्ड बाई व्हिच पेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो आत्मा की अमरता के सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से किस युग्म द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन वन प्लेटो एंड जॉर्जियस, ऑप्शन टू प्लेटो एंड सोक्रेटिस, ऑप्शन थ्री प्लेटो एंड अल्फारबी, ऑप्शन फोर प्लेटो एंड प्रोटोगोरस। तो फ्रेंड्स प्लेटो तो सारे ऑप्शन में है, राइट। तो प्लेटो तो बिल्कुल होगा। अब देखो प्लेटो के साथ सोक्रेटिस भी होगा। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ इमोरालिटी ऑफ सोल इज अफेल्ड बाय प्लेटो एंड सोक्रेटिस, राइट। तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, तो ये किसने दिया होता, तो ये पिथागोरस ने दिया है, राइट। द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये भी दिमाग में याद रखो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स प्लेटो राइट्स अबाउट द रिंग ऑफ गेजेस। तो निम्नलिखित में से किस संवाद में प्लेटो ने रिंग ऑफ गीज के बारे में लिखा था। तो ऑप्शन वन फेडो, ऑप्शन टू क्रीटो, ऑप्शन थ्री रिपब्लिक, ऑप्शन फोर एपोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन थ्री रिपब्लिक। और बाकी सारे जो ग्रंथ दिया हुआ है वो सारे प्लेटो ने ही लिखा है, ये भी अपने कॉपी पे लिख लो, ठीक है। अब रिंग ऑफ गेजेस ये क्या है, इसके पीछे जो स्टोरी है वो हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पर, तो द रिंग ऑफ गेजेस इज ए मिथिकल स्टोरी टोल्ड बाय ग्लूकन इन बुक टू ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक, राइट। तो ये एक मिथिकल स्टोरी है जो कि ग्लूकन के द्वारा बोला गया था प्लेटो के जो रिपब्लिक ग्रंथ है, राइट, वहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू द मिथ द रिंग ऑफ गेजेस ग्रांटेड इट्स ओनर द पावर टू बिकम इनविजिबल एट विल। ये मिथ के अकॉर्डिंग ये जो रिंग ऑफ गेजेस है वो गारंटेड देता है अपने जो ओनर है, राइट, जो उन रिंग को पहनते हैं, अगर वो चाहते हैं तो वो इनविजिबल हो सकता है उसके पावर से, राइट। थ्रू द स्टोरी ऑफ द रिंग द सोफिस्ट ग्लूकन डिस्कस व्हेदर ए टिपिकल पर्सन वुड बी मोरल इफ दे डिड नॉट हैव टू फियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। तो सोफिस्ट ग्लूकन ने डिस्कस किया एक टिपिकल पर्सन भी मोरल हो सकता है अगर वो उसके अंदर फियर नहीं होगा द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस, जो उन लोगों ने काम किया है उनका परिणाम क्या होगा उसके बारे में भय पैदा नहीं होगा, तो ये टिपिकल पर्सन भी मोरल हो सकता है। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज दैट गुड एंड बैड इज ए मैटर ऑफ कस्टम एंड प्रेफरेंस, राइट, व्हाइल डिफरेंट इंडिविजुअल डिजायर डिफरेंट थिंग्स, एवरी वन सीक्स सम फ्रॉम अ पावर, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। द लेटर डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी आफ्टर प्लेटो इज जस्ट ए फुटनोट टू प्लेटो, हु अमंग द फॉलोइंग मेंटेन्स दिस व्यू। तो प्लेटो के लिए पश्चिमी दर्शन के बाद का विकास प्लेटो के लिए सिर्फ एक फुटनोट है, निम्नलिखित में से कौन इस दृष्टिकोण का रखता है। तो ऑप्शन वन बार्ट एंड रसल, ऑप्शन टू ए एन व्हाइट हेड, ऑप्शन थ्री जे एच मूर हेड, ऑप्शन फोर ए जे आर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2019 से लिए गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर एनटीए की तरफ से दिया गया है ऑप्शन टू ए एन व्हाइट हेड। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा।
को एक बार गूगल में चेक कर लेना, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट है, ऑप्शन टू होगा या फिर ऑप्शन थ्री होगा। तो ऑप्शन वन और ऑप्शन फोर ये दोनों तो किसी भी तरह से नहीं होगा, राइट। जे एच मूर हेड होगा या फिर ए एन व्हाइट हेड होगा, तो इसको एक बार गूगल में क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। 2018 से प्लेटो के एक मैच लिस्ट में पूछा गया था कि सिंपोजियम जो ग्रंथ है वो किससे मैच होगा, राइट। तो ये तो हम लोगों ने जो वहाँ पर एरिस्टोटल के सेशन को लिया था वहाँ पर डिस्कस कर दिया था, तो इसलिए 2018 के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज 14 फरवरी है और आज का दिन वैलेंटाइंस डे माना जाता है, तो सभी कपल्स को हैप्पी वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब भारतवासी के लिए ब्लैक डे है आज। तो आज के दिन 44 जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, तो उन सभी वीर सेना को दिल से प्रणाम। ओके, तो सेशन को एंड करूँगा दो कोटेशन के साथ, और वो प्लेटो का ही है। एक कोटेशन कपल्स के लिए और एक कोटेशन हम जैसा सिंगल लॉन्डो लॉन्डिया के लिए है। एवरी हार्ट सिंग्स ए सॉन्ग इनकम्प्लीट अंटिल अनदर हार्ट विस्पर्स बैक, दोज हु विश टू सिंग ऑलवेज फाइंड ए सॉन्ग, एट द टच ऑफ ए लवर एवरी वन बिकम्स अ पोएट। और एक कोटेशन सिंगल्स देर के लिए है, लव इज ए सीरियस मेंटल डिजीज, और जो लोग इस मेंटल डिजीज में पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अगले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।